हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4 सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज हम क्यों यूज करते हैं। इसके पहले हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना या उसको एक्सपेंड करना पढ़ लिया है। ठीक है ना, उसी एक्सपेंशन को, वो एक्सपेंशन सबसे शॉर्ट कब होता था? जब किसी भी एक ही रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो आ जाते थे, तो उसी को ऑप्टेन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी बनाई गई है। पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, या डिटरमिनेंट है उसको निकालने के बाद उसका रो और कॉलम चेंज कर देते हैं, मतलब जो रो में लिखा हुआ वो कॉलम में आ जाता है और जो कॉलम में वो रो में आ जाता है, तो भी डिटरमिनेंट सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, पहला कॉलम क्या हमारे पास? एक्स वाई जेड। दूसरा कॉलम ए बी सी। तीसरा कॉलम 1 2 3 है। अब जो पहला कॉलम था वो यहाँ पे पहला रो बन गया एक्स वाई जेड, दूसरा कॉलम दूसरा रो बन गया, तो रो को हमने क्या किया? कॉलम में चेंज कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इस डिटरमिनेंट की, वही वैल्यू भी इस डिटरमिनेंट की आएगी। मतलब रो को कॉलम में चेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें पता है जब हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो उसको ट्रांसपोज बोलते थे, यानी ए का जो डिटरमिनेंट आएगा ए ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट सेम आएगा। तो ये डायरेक्टली तुम एज ए फार्मूला लर्न कर सकते हो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश, ये पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए तो उनका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे C1 और C2 को चेंज कर दिया गया, C1 और C2 आपस में चेंज हो गए, C1 के प्लेस पे C2 और C2 के प्लेस पे हमने यहाँ पे C1 लिख दिया है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में नेगेटिव साइन का चेंज आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर इसका आंसर 5 आ रहा होगा तो इसका -5 आने लगेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3, इफ एनी टू रो, कोई भी दो रो या दो कॉलम डिटरमिनेंट के सेम हो गए तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली हम जीरो लिख सकते हैं, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, जब कभी दो डिटरमिनेंट की वैल्यू दो रो या दो कॉलम आपस में सेम हो जाए तब हम उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो मानते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी 3 हो गया। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, किसी भी रो के सारे एलिमेंट या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स हो जाएगी। कर लोगे? जैसे इसमें देखो के से मल्टीप्लाई किया है तो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो गई, या यूं समझो यहां से के हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज होता है। प्रॉपर्टी 4 हो गया। बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट कॉमन, अभी तुम्हें बताया ना ऊपर से के कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज आर डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल है, जैसे देखो यहाँ पे ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो भी इसकी वैल्यू इस प्रॉपर्टी से हम जीरो कर सकते हैं। कैसे? अब इसमें देखो यहां से नीचे वाले से 2 कॉमन ले सकते हैं, जब ये 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3, और ये भी 1 2 3, और एक्स वाई जेड। तो अब देखो दो रो हमारे सेम हो गए, जब दो रो सेम हो गए तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, तो 2 × 0 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, तो ये प्रोपोर्शनल होंगे तब भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 करा, इफ सम आर ऑल ऑफ द रो आर कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम, पूरा रो होना चाहिए या फिर पूरा कॉलम के सारे एलिमेंट, जैसे फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट दो नंबर्स के सम में या दो सम में लिखे हुए हैं, तो हम उनसे दो अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों रो हमारे सेम रहेंगे दोनों मैट्रिक्स में, इसमें भी सेम है, इसमें भी देखो ये दोनों रो R2 और R3 सेम है। जो R1 था ये दो दो करके ऐड करके मिला था, तो पहला
पहले वाले में ये पहला एलिमेंट डाल दो एक्स वाई और जेड, और फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट, मतलब ऐसे प्लस में हम ब्रेक कर सकते हैं किसी भी एक रो या एक कॉलम में अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 तो हो गया। प्रॉपर्टी 6 देखो, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट में या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए दूसरे वाले रो या कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का सीधा सीधा मतलब है जो तुम ए इनवर्स निकालने में एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते थे वो सारे ऑपरेशन इसमें समझ लो अप्लाई होंगे। उसमें हमने 6 पढ़े थे दो दो का पेयर करके, इसमें सिर्फ दो ही यूज होंगे। कौन कौन से? आर वन चेंजेस टू आर वन प्लस के आर जे, मतलब हम इस तरह वाले ऑपरेशन नहीं कर सकते कि आर वन को चेंज कर दें आर वन बाई फाइव, ये वाला नहीं कर सकते। सिर्फ हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं कि आर वन चेंजेस टू आर वन प्लस टू आर टू, या आर टू चेंजेस टू आर टू प्लस टू आर थ्री। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, इफ डेल्टा वन इज डिटरमाइंड ऑब्टेंड बाई, देखो जैसे ये बाई फाइव यानी ये वन बाई फाइव यहां पे के की वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब उस डिटरमिनेंट में भी के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? मतलब के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो के से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का, एक बार फिर से समझो, मैं यहां पे बताता हूं तुम्हें। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास वन डिटरमिनेंट लेते हैं ना डायरेक्टली, वन टू टू वन, ठीक है। अब अगर मान लो इस वाले रो को तुम डबल करना चाहते हो, ठीक है, तो यानी टू से मल्टीप्लाई करना चाहते, तो इसके पहले यहां पे ऐसे लिखोगे टू बाई टू। अब इस टू को अंदर भेजोगे, वन बाई टू बाहर रहेगा, तो वन टू और किसी भी एक रो में ही भेज सकते हो फोर और टू, तो अब जा करके ये डबल हो जाएगा। इतनी बात समझ? मतलब जिस नंबर से तुम किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हो डिटरमिनेंट के बाहर, उसी नंबर से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। ये इस स्टेटमेंट का मतलब था, ठीक है। और अगर इफ मोर देन वन ऑपरेशन इज डन इन वन स्टेप, केयर शुड टेकन, तो बताया था ना कि अगर एक से ज्यादा ऑपरेशन करते हो, जैसे एक ये किए हो एक और किए हो, जैसे आर वन को तुमने चेंज किया आर वन प्लस टू आर टू, तो अब तुम आगे R2 को इसमें नहीं चेंज कर सकते क्योंकि R2 आ गया। अब तुम R3 को चेंज कर सकते हो, कैसे? R3 प्लस, अब यहां 2R2 ही लेना पड़ेगा, तो जो इसमें इन्वॉल्व हुआ वही इसमें, मतलब जो इसमें इन्वॉल्व हो गया उसको तुम फिर से चेंज नहीं कर सकते हो। इस तरह के ऑपरेशन कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। ये तुम्हें A इनवर्स वाले में भी मैंने तुम्हें बताया था, बाकी क्वेश्चन में जैसे जैसे आता जाएगा मैं सारी प्रॉपर्टीज बता दूंगा। ये 6 प्रॉपर्टी है सीरियल वाइज, तुम्हें याद होनी चाहिए, जहां पे ये प्रॉपर्टी यूज होगी वहां पे हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। चलो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले। तो इसमें देखो, थर्ड वाले कॉलम में दो दो नंबर करके प्लस में है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे? बाई प्रॉपर्टी 5, तो ऐसे लिख देना बाई पी 5, ऐसे लिख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये दो डिटरमिनेंट में LHS ले रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी 5 लगा रहा हूं, ठीक है ना। तो x y z a b c, फिर x y z ये पहले में आएगा, दूसरे वाले में देखो ये दोनों रो तो सेम रहेंगे, x y z a b c, तीसरे वाले नंबर लिख दो इसमें a b c, ये आ गया। अब देखो इसमें दो रो हमारे सेम हो गए, कौन कौन से? फर्स्ट और थर्ड कॉलम हमारे सेम हो गए, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, और इसमें सेकंड और थर्ड हो गए सेम, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। ये कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय पी थ्री प्रॉपर्टी 3 से ये दोनों जीरो हो गए, तो जीरो प्लस जीरो हमारे पास जीरो आ गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखो स्क्रीन पर दिया इसको इक्वल टू जीरो पुट करना है, तो LHS ले लेते हैं। LHS जब ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये पूरा डिटरमिनेंट ऐसे लिख लो। अब इसके बाद लगाओगे क्या इसमें प्रॉपर्टी? इसमें प्रॉपर्टी लगाओ 6, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 इसमें क्या अप्लाई करोगे? R1 को चेंज करो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, बाय P6 प्रॉपर्टी 6 के थ्रू। अब इसको जब चेंज करोगे तो क्या मिलेगा हमें? यहां पे ऐड करके लिखो, तो यहां पे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इसी तरह से यहां पे
बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। सेम ऐसे थर्ड वाले में सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। बाकी दोनों रो सेम लिख देना, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। अब ऊपर वाला रो देखो जो फर्स्ट वाला है, माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी। इसी तरह से ये आगे वाले भी दो एलिमेंट इसके रो के क्या मिल जाएंगे, जीरो जीरो और जीरो। नेक्स्ट वाले में बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली जीरो, क्योंकि एक रो पूरा कॉलम पूरा रो जीरो हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा जब एक्सपेंड करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में ये है, इसमें भी एलएचएस ले लो। एलएचएस लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव एंड एट्टी सिक्स, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, सी वन को चेंज करो। सी वन को चेंज करेंगे, सी वन प्लस नाइन सी टू, इससे क्या मिलेगा वो देखो, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, बाई पी सिक्स, ठीक है। सी वन प्लस नाइन सी टू, तो पहले इसमें नाइन से मल्टीप्लाई करो, तो नाइन से बन जा सिक्सटी थ्री और प्लस टू, तो यहां पे क्या आया सिक्सटी फाइव। नाइन एट जा सेवेंटी टू प्लस थ्री सेवेंटी फाइव, नाइन नाइन जा एट्टी वन प्लस फाइव एट्टी सिक्स। बाकी इस सी टू को कोई चेंज हमें नहीं करना है, सी थ्री भी ऐसे लिख दो, इसमें भी कोई चेंज हमने नहीं किया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सी वन और सी थ्री दोनों सेम हो गए, तो ये डायरेक्टली जीरो हो गया। कैसे, बाई पी थ्री, कैसे, क्यों, कि सी वन इक्वल टू सी थ्री दोनों आइडेंटिकल हो गए इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखो, इसमें भी सेम एलएचएस ले लो। एलएचएस लो पहले, सिंप्लीफाई करके लिख दो, वन 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 बी सी सी ए बी। नेक्स्ट में देखो ए मल्टीप्लाई करो तो ए बी प्लस सी ए लिख सकती हो, बी सी प्लस बी ए लिख सकते हैं, सी ए प्लस बी सी लिख सकते हैं, इतना ठीक हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी सिक्स लगाएंगे, तो इसमें सी थ्री से क्या चेंज करेंगे, सी थ्री प्लस सी टू चेंज करो, बाई P6 लगाओ। तो ये पहले 111, इसको ऐसे रहने देना, BC, CA और AB। जब इसमें प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस CA। ऐसे यहां पे क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, दोनों कॉलम ऐड करके ये मिल गया। अब देखो कॉमन ले सकते हो, तो C3 से कॉमन ले लो, यहां लिख देना टेकिंग कॉमन क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम सी थ्री। कौन सी प्रॉपर्टी थी कॉमन लेने वाली, बाई पी फोर था कॉमन वाला, तो कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ गया। अब क्या बचा, वन वन वन, और यहां पे बी सी सी ए बी, और इधर पे वन 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 कॉमन लेने के बाद फर्स्ट और थर्ड कॉलम दोनों सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। किस प्रॉपर्टी से, इनटू जीरो, बाई पी थ्री, सी वन इक्वल टू सी थ्री दोनों आइडेंटिकल हो गए इसलिए जीरो हो गया। तो ये आरएचएस के इक्वल आ गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें देखो क्या है, ये प्रूफ करना हमें, तो एलएचएस लेकर के चलते हैं, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं। तो एलएचएस में हम क्या करेंगे, पहले अप्लाई करो, आर वन को चेंज कर दो, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये पी सिक्स से हो गया। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पे देखो दो बार ए दो बार बी और दो बार सी मिलेगा। ऐसे इसमें ऐड करोगे तो टू पी प्लस क्यू प्लस आर, दो दो बार ये भी मिलेगा, टू एक्स प्लस वाई प्लस
जेड मिलेगा, बाकी कोई चेंज मत करो। सी प्लस ए, ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, तो ये आर टू और आर थ्री ये हमारे एज इट इज रहेंगे। देखो हमें टू कॉमन चाहिए था, टू ऊपर से कॉमन मिल गया, तो टू कॉमन ले लिया, ये प्रॉपर्टी फोर होगा। कॉमन लेने के बाद जो बचा उस नंबर को पूरा पूरा एज इट इज लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस जेड। देख लो एक बार, जेड ही था कुछ और था, एक्स प्लस वाई था यहाँ पे, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ गया। अब क्या करोगे, अब इसमें सबट्रैक्ट करो, किसमें से किसको सबट्रैक्ट करेंगे, आर टू को चेंज करो आर टू माइनस आर वन, और इसी तरह से आर थ्री को चेंज करो क्या, आर थ्री माइनस आर वन। अब करके देखो जरा, आर टू को चेंज करो पहले, या आर थ्री कर लेते हैं, पहले यही कर लेते हैं, आर थ्री माइनस, तो ए प्लस बी में से ए प्लस बी प्लस सी घटा तो माइनस का सी, पी प्लस क्यू में से गया माइनस का आर, और यहां माइनस का जेड। अब दूसरा वाला चेंज करो, आर टू वाला, आर टू माइनस आर वन, सी और ए गया तो माइनस का बी, आर और पी गया तो माइनस का क्यू और माइनस का वाई। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ऊपर क्या बचा, उसको एज इट इज लिख दो, दो से ज्यादा हम ऑपरेशन एक साथ नहीं कर सकते, पी प्लस क्यू प्लस आर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या करोगे तुम इसके बाद, सबसे पहला काम R1 को चेंज करो, किसमें चेंज करोगे, by P6 से R1 changes to R1 plus R2 plus R3, तीनों ऐड करो जरा। इसके पहले 2 कॉमन आ रहा था, वो देख लेना, 2 स्टार्टिंग में कॉमन आया था ना, ये वाला, ये एज इट इज रहेगा, तो 2 कॉमन यहां पे लिख दो। तो क्या बचा यहां पे, 2 लिखने के बाद पहले ये R1 plus R2 plus R3 अप्लाई करो, जब ऐड करोगे तो b plus c कट जाएगा, क्या बचेगा यहां पे, a, यहाँ पे P और यहाँ पे X बचेगा, नीचे क्या बचा, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर एंड माइनस जेड। अब क्या करोगे, दोनों रो में से R2 और R3 में से माइनस वन कॉमन लो, तो टू इंटू माइनस वन इंटू माइनस का वन, दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख देना टेकिंग कॉमन कॉमन माइनस वन, कहां से, फ्रॉम आर टू एंड आर थ्री, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहां पे, ऊपर ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर और जेड, ठीक है, तो ये टू अंजा टू, और बाकी क्या बच गया उसको एज इट इज लिख दो, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, तो ये आर एच एस के इक्वल आ गया। इस तरह से इसको करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतना इक्वल टू हमें जीरो पुट करना है, तो लेट करो डेल्टा इक्वल टू, हमने इसको मान लिया क्या, जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो एंड माइनस का सी, बी सी एंड जीरो। अब क्या करो, तो बताया था माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो तीनों रो में से माइनस कॉमन लो, माइनस वन एंड माइनस वन कॉमन ले लिया हमने, तीनों रो में से कॉमन लेने के बाद जीरो माइनस ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे प्लस का ए बन जाएगा जीरो और यहाँ पे प्लस का सी, माइनस बी माइनस सी और जीरो, तीनों रो में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, माइनस बचेगा यहाँ पे, वन लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो, ये कॉमन लेने के बाद ये जो नंबर्स हमारे बचे हैं, इस पूरे में रो और कॉलम को चेंज कर दो प्रॉपर्टी वन में, क्योंकि रो और कॉलम को चेंज करने में डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये जीरो माइनस ए जो रो में था वो कॉलम में लिख रहा हूं मैं, बी। अब दूसरा वाला रो उठाओ, ए जीरो और सी, तीसरा वाला रो उठाओ, माइनस बी माइनस सी और जीरो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सेम वही क्वेश्चन है जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो माइनस वन
इनटू इसकी वैल्यू हम डेल्टा लिख सकते हैं, और इधर भी क्या था डेल्टा, इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू माइनस का डेल्टा, तो टू डेल्टा इक्वल टू जीरो और डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो ये आरएचएस हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इधर 7 में हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है हमें, तो एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस लेने के बाद हम क्या करेंगे, पहले तो एक बार ऐसा करो लिख लेते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर कॉमन लो। एक काम करो, पहले वाले कॉलम में से यहां लिखना ना टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम सी वन बी फ्रॉम सी टू एंड सी फ्रॉम सी थ्री, ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी क्या थी, पी फोर थी, तो कॉमन ले लो पहले, देखो क्या बचा वो लिख लो। तो कॉमन लेने के बाद यहां पे बाहर तो ए बी सी बचेगा, कॉमन लेने के बाद पहले वाले कॉलम में से ए कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस ए बी और सी, इस वाले कॉलम में से कॉमन लिया बी तो क्या बचा, ए माइनस बी और सी, इस वाले में से सी कॉमन लिया तो ए बी और माइनस सी, ठीक है। फिर कॉमन लो पहले वाले रो में से, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम आर वन बी फ्रॉम आर टू एंड सी फ्रॉम आर थ्री, ये कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर से ए बी सी बाहर आ गया, माइनस वन वन और वन, यहां पे वन माइनस वन और वन, वन वन और माइनस का वन। अब इसके बाद क्या करोगे, कोई भी दो रो या दो कॉलम को ऐड कर दो, तो R1 को चेंज कर दो R1 प्लस R2 में, तो R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 में, ऐड करो देखो क्या मिल रहा है हमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जब इसको ऐड करेंगे ये जीरो और ये टू मिला, बाकी एज इट इज लिख दो, वन वन और माइनस वन। अब एक्सपेंड कर दो, जब दो जीरो आ जाते हैं कहीं रो में तब हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे क्या लिखोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, आर वन के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो इनटू टू, टू के साथ क्या मिलेगा, वन माइनस वन वन और वन, ये रो और कॉलम बंद हो जाएगा। अब इसके बाद क्या मिला, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू, यहां पे देखो वन वन जा वन माइनस माइनस प्लस वन, तो ये मिला टू, तो टू से इसमें जब और मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, टू टू जा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये आरएचएस के इक्वल आ गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए प्रूफ करना है। आर वन को चेंज करो आर वन माइनस आर थ्री, और आर टू को भी चेंज करो आर टू माइनस आर थ्री, चेंज करके देखो क्या मिल रहा हमें, तो पहले अप्लाई करो, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, बाई पी सिक्स, तो इसको अप्लाई करके देखते हैं, ये एल एच एस हमारा चल रहा है, ठीक है ना, तो वन माइनस वन जीरो, ठीक है, सी ए माइनस सी हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे आर टू में से आर थ्री को माइनस करोगे तो जीरो बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बचा क्या, वन सी और सी स्क्वायर, दो जीरो आ गया। अभी देखो ऊपर से कुछ कॉमन भी आ रहा है, तो कॉमन ले लो पहले, यहां पे लिख लेना टेकिंग कॉमन सी माइनस ए, कहां से, फ्रॉम आर वन एंड बी माइनस सी, कहां से, फ्रॉम आर टू, ये कौन सी प्रॉपर्टी, बाई पी फोर, कॉमन लेने वाला पी फोर था, तो ये बचा हमारे पास C माइनस ए और B माइनस सी, ये कॉमन लेने के बाद यहां पे बचा जीरो, यहां पे माइनस वन और यहां पे माइनस में C प्लस ए बचेगा, यहां पे बचा जीरो, यहां पे प्लस वन
और यहाँ पे बी प्लस सी बचा, यहाँ पे वन सी और सी स्क्वायर बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, दो जीरो आ गए हैं, अब एक्सपेंड कर सकते हैं, तो सी माइनस ए और बी माइनस सी एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सी वन, तो सी वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, वन, वन के साथ इसका कॉलम और इसका रो बंद करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस वन वन, माइनस का सी माइनस का ए, ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस सी। अब ओपन करो, ये मिला हमारे पास सी माइनस ए एंड बी माइनस सी। अब इसको बी प्लस सी माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी और माइनस का सी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी और प्लस का ए। देखो क्या मिला, माइनस सी प्लस सी कट गया तो ए माइनस बी बचा यहाँ पे, तो इसको ए माइनस बी लिख लो, ये सी माइनस ए था और ये बी माइनस सी था, तो आया क्या फाइनली हमारे पास, ये हुआ ए माइनस बी एंड बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, यही तो मैं लाना था, तो ये आर एच एस के इक्वल आ गया। कर लोगे नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लाना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी कब आएगा, जब सी वन माइनस सी टू हो या सी टू माइनस सी थ्री हो, तो हमें इनमें से नंबर मिलेंगे, तो एल एच एस ले लो, तो एल एच एस के अकॉर्डिंग पहले एक काम करो, इसको लिख लेते हैं वन वन वन, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। अब अप्लाई करो बाई पी सिक्स, पी सिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सी वन को चेंज करेंगे, सी वन माइनस सी थ्री, और सी टू को चेंज करेंगे सी टू माइनस सी थ्री, तो चेंज करते हैं, सी वन माइनस सी थ्री करो तो वन माइनस वन जीरो, ए माइनस सी और ए क्यूब माइनस सी क्यूब। अब सी टू माइनस सी थ्री तो वन माइनस वन जीरो और बी माइनस सी और बी क्यूब माइनस सी क्यूब, क्या बचा, वन सी और सी क्यूब। अब देखो पहले वाले कॉलम में से ए माइनस सी या सी माइनस ए कॉमन ले लो और दूसरे वाले में से बी माइनस सी कॉमन ले लो, तो टेकिंग कॉमन ये लिखते जाना, टेकिंग कॉमन क्या सी माइनस ए फ्रॉम सी वन एंड बी माइनस सी फ्रॉम सी टू कॉमन लेते हैं, तो ये पी फोर से यहां तक आया, तो सी माइनस ए कॉमन लिया और बी माइनस सी कॉमन लिया, तो इसके बाद बचेगा क्या, अब यहां समझना ध्यान, ये तो जीरो ही बचा, यहां से सी माइनस ए गया तो माइनस वन बचा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब फार्मूला लगाओगे तो ए माइनस सी आया होगा, तो वहां से माइनस कॉमन और एक बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का सी ए, ये फार्मूले से बचा। अब इसमें से बी माइनस सी निकालना था तो जीरो वन और यहां बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा लेना, उसके बाद वन सी और सी क्यूब, इतना आ गया। अब देखो दो जीरो तो मिल गए हैं, दो जीरो अगर मिल गए हैं तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, या और ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन उससे कुछ खास मिलने वाला है नहीं, फिर भी एक बार कर लेते हैं, सी टू और सी वन को दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहां पे चेंज करो सी वन को सी वन प्लस सी टू, उससे क्या मिलेगा, सी माइनस ए और बी माइनस सी, तो यहां पे है ही सी वन और सी टू, जीरो प्लस जीरो जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो सी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का ए स्क्वायर और सी स्क्वायर कट गया, माइनस का सी ए और प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का बी सी, बस बाकी सब कुछ लिख दो, जीरो वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का बी सी, ठीक है। अब इधर वन सी और सी क्यूब बचा, अब एक्सपेंड कर देते हैं किसी एक के अलॉन्ग, ठीक है ना, तो किसी एक के अलॉन्ग का मतलब सी वन के अलॉन्ग ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये बचेगा, तो यहां पे आया एक तो सी माइनस ए और दूसरा आया बी माइनस सी, जब दो जीरो मिल जाए तब एक्सपेंड कर देते हैं, तो पहले क्या मिला, ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी ए
प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का बी सी, ये तो यही मिल गया पहले प्लस, इसके बाद ये बचेगा क्या, जीरो वन वन और सी बचेगा। अब ये क्या मिला हमें, वो देखो सी माइनस ए और बी माइनस सी, इसको अगर ध्यान से एक्सपेंड करोगे पहले इसको देखो जीरो इंटू सी जीरो और माइनस का वन, तो ये माइनस का वन मिलेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको देखो क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में क्या बी सी माइनस सी ए, ऐसे लिख सकते हैं इंटू माइनस वन, ये है ही यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद सी माइनस ए और बी माइनस सी, और क्या मिला यहां पे, इसको अगर b माइनस ए और b प्लस ए से एक्सपेंड कर दें, a माइनस बी और a प्लस बी से, और यहां पे क्या कॉमन ले लें c, तो क्या बच जाएगा b माइनस ए, तो ये दोनों में देखो b माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो b माइनस ए कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, c माइनस ए लिखो पहले तो, और b माइनस सी लिखो, ये दोनों हो गया। इन दोनों में से देखो b माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो b माइनस ए कॉमन आ गया, बचा क्या दूसरे वाले ब्रैकेट में b प्लस ए बचा और प्लस का c बचा यहां पे, इंटू क्या था माइनस वन, ये माइनस वन इसमें मल्टीप्लाई कर दो b माइनस ए वाले में, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी, फिर b माइनस सी और c माइनस ए, और इसके साथ क्या a प्लस बी प्लस सी, तो ये RHS के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, LHS ले लेना, और LHS में क्या अप्लाई करोगे वो मैं पहले बता दे रहा हूं, R1 को चेंज करो R1 माइनस R3 में और R2 को चेंज करो R2 माइनस R3 में, देखो इससे क्या मिलेगा, चेंज करके देखते हैं, ठीक है। R1 चेंज टू R1 माइनस R3, तो X माइनस Z मिला, X स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर मिला, और इसमें से Y कॉमन लेने के बाद Z माइनस X बचा, यहां पे इसको क्लोज करो, और R2 को चेंज कर रहे हो R2 माइनस R3, तो Y माइनस Z, Y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर, और इन दोनों में से X कॉमन लेकर के Z माइनस Y बचा, थर्ड वाले रो को Z, Z स्क्वायर और XY ऐसे ही रहने दो। अब देखो फर्स्ट वाले रो में से X माइनस Z या Z माइनस X कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन क्या z माइनस x कॉमन ले लेते हैं, कहां से, फ्रॉम r1 एंड z माइनस x के बाद y माइनस z, कहां से, फ्रॉम r2, ये कॉमन लेकर के देखो क्या मिलेगा, एक तो ये z माइनस x और इसके साथ y माइनस z, ये कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या वो लिखता हूं मैं, यहां पे z माइनस x कॉमन लिया तो माइनस का वन बचेगा, यहां माइनस के साथ z प्लस x बचेगा, और यहां पे y बचेगा प्लस का, इसमें से y माइनस z कॉमन लिया तो 1, और यहां पे y माइनस z कॉमन लिया तो y प्लस z बचेगा, यहां पे y माइनस z कॉमन लिया तो माइनस का x बचेगा, z z स्क्वायर और x y, एज इट इज इसको रहने दो। अब क्या करना है तुम्हें, किसी तरह से दो जीरो लाना है, तो अभी तो दो जीरो दिख नहीं रहा पर एक जीरो दिख रहा है, अब हम क्या करेंगे, R1 और R2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इससे देखो क्या मिलेगा हमें, R1 को चेंज करेंगे क्या R1 प्लस R2 में, ये P6 से हो गया, ठीक है, चेंज करके देखो क्या मिल रहा है, Z माइनस X और Y माइनस Z कॉमन लेने के यहां ऐड करेंगे तो ये जीरो मिलेगा, यहां पे ऐड करेंगे तो माइनस Z और प्लस Z कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स और प्लस का वाई बचेगा, और यहां पे भी माइनस का एक्स और प्लस का वाई बचेगा, यहां पे तो ये वन रहेगा क्योंकि आर टू में हमने कोई चेंज नहीं किया है, वाई प्लस जेड माइनस का एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब क्या करना है तुम्हें, ऊपर वाले रो में से देखो कॉमन आ रहा है कुछ, क्या एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, लिख लो टेकिंग कॉमन x माइनस वाई, कहां से, फ्रॉम r1, r1 में से कॉमन लो, तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स,
ये तीनों कॉमन आ चुके हैं, बचा क्या है यहां पे, जीरो माइनस का वन, माइनस का वन, यहां पे वन, जेड वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स और एक्स वाई। अब देखो दो जीरो कैसे आ जाएंगे, अगर हम C2 को चेंज कर दें C2 माइनस C3 में, तो C2 को चेंज कर दो, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, माइनस करके देखो क्या मिल रहा है, तो ये बचा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, कॉमन लेने के बाद यहां पे क्या बचेगा वो देखो, जीरो, पहले इसको माइनस करेंगे तो ये जीरो, ये तो वन और ये जेड ऐसे ही रहेगा, यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा और यहां पे जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि हमने C2 माइनस C3 किया हुआ है। यहां पे क्या बचेगा, माइनस वन, माइनस का x और यहां पे एक्स वाई। अब ऊपर वाले रो में दो जीरो मिल गए, तो R1 के अलांग एक्सपेंड कर दो, R1 के अलांग एक्सपेंड करोगे तो यहां पे क्या बचा है, माइनस, तो माइनस वन से इसमें मल्टीप्लाई होगा, वो देखो क्या बचेगा, वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और इंटू माइनस का वन, माइनस का वन लेने के बाद क्या बचेगा, वन जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड के साथ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलेगा, वन का साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब देखो इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू माइनस वन, और लिखो एक्स वाई, ये एक ब्रैकेट में आया माइनस करके ये दूसरे ब्रैकेट में, जेड एक्स वाई जेड और प्लस का जेड स्क्वायर, ओपन करो जरा, तो जब ओपन करेंगे तब क्या बचेगा वो देखो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इंटू माइनस वन, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स और माइनस वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कट गया, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो तीनों प्लस हो जाएंगे, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, तो ये इसका आर एच एस के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें हमें क्या लाना, 5x प्लस 4। अब 5x प्लस 4 कैसे मिलेगा, देखो इधर से तीनों रो जोड़ दे तब भी मिल रहा है, तीनों कॉलम जोड़ दे तब भी मिल रहा है, तो कोई भी एक अप्लाई कर लो, एक अप्लाई करेंगे तो R1 को चेंज कर लेते हैं क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 में, ये चेंज करके देखते हैं क्या आता है LHS, ठीक है, तो R1 5x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तब भी 5x प्लस 4 आ जाएगा, इस वाले को 5x प्लस 4 आ जाएगा। अब बचा क्या, दोनों रो एज इट इज लिख दो, 2x 2x x प्लस 4 एंड 2x 2x एंड x प्लस 4। अब इसके बाद देखो ये कॉमन ले सकते हो तुम, तो R1 से ये कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन By प्रॉपर्टी 4 से, टेकिंग कॉमन क्या 5x प्लस 4, कहां से, फ्रॉम R1, कॉमन ले लिया, तो 5x प्लस 4, अब बचा क्या, 1 1 2x 2x x प्लस 4 2x 2x और x प्लस 4। अब एक ही रो में दो जीरो लाने हैं तो ऊपर आसानी से 1 1 दिख रहा है, अब 0 0 हम बना सकते हैं, अब वो जीरो बनाएंगे कैसे, हम क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, ठीक है, C1 को चेंज करेंगे, C1 को चेंज करो C1 माइनस C3 में और C2 को चेंज करो C2 माइनस C3 में, ये कौन सी प्रॉपर्टी, बाई P6 अप्लाई करो, तो क्या मिलेगा हमें, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 ब्रैकेट, अब इसके बाद देखो 1 माइनस 1 0, 2x में से 2x गया 0, 2x में से x प्लस 4 गया,
क्या बचा? 2x में से x प्लस फोर, एक्स माइनस फोर बचा। यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, x प्लस फोर में से ये जाएगा, तो माइनस का x और प्लस का 4 बचेगा सबट्रैक्ट करने के बाद। 2x में से ये गया, क्या बचेगा? माइनस का x, 2x में से प्लस का x और माइनस का 4 बचेगा। ये थर्ड वाला कॉलम एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब दो जीरो मिल गए हमें, अब क्या करेंगे हम? एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड किसके अलांग करेंगे? किसी एक के अलांग एक्सपेंड कर दो, ठीक है? तो एक्सपेंडिंग अलांग C1 कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग अलांग C1, तो ये हमारे पास C1 है, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 5x प्लस 4, और यहां पे क्या आएगा? x माइनस 4, ठीक है? इसके बाद बचेगा क्या? वो 0 माइनस एक्स प्लस 4, 1 और 2x। तो 2x इंटू 0, तो ये तो मिल गया हमें 0 माइनस, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस x और माइनस का 4, तो यानी x माइनस 4। तो क्या मिला? 5x प्लस 4 और x माइनस 4 और x माइनस 4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया? 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया। तो यही हमारा RHS था। कर लोगे? 10 का सेकेंड पार्ट देखो क्या लाना है। 3y प्लस के, 3y प्लस के फिर अभी वही से सेम जैसे इसके पहले दिखा। क्या R1 को चेंज करो? क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, ये प्रॉपर्टी 6 से। तो जब इसको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? LHS, LHS इक्वल टू y प्लस y, 3y प्लस k। यहां पर भी क्या मिलेगा? 3y प्लस k। यहां पर भी क्या मिलेगा? 3y प्लस k। बाकी दोनों रो ऐसे ही सेम लिख दो, y प्लस k, देन y एंड y प्लस k। अब R1 से कॉमन ले लो क्या? 3y प्लस k। लिखो यहां पे टेकिंग कॉमन 3y प्लस k फ्रॉम R1। R1 से जब इसको कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? ये 3y प्लस k कॉमन लेने के बाद 1y प्लस k y, और यहां पे 1 और y और y प्लस k कॉमन ले लिया हमने। अब दो जीरो चाहिए, तो दो जीरो के लिए फिर से C1 माइनस C3 को चेंज कर लो, 3y प्लस k। यहां पे C1 को चेंज करो क्या? C1 माइनस C3। जैसे ही C1 माइनस C3 करोगे, ये 0, y माइनस y ये 0, ये आ जाएगा माइनस का k। अब बाकी ऐसे ही लिख दो, y प्लस k, y 1y और y प्लस k। अब दो जीरो मिल गए, अब यहां से एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंडिंग अलांग C1 यहां पे लिख देना, एक्सपेंडिंग अलांग C1, C1 के अलांग एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 3y प्लस k इंटू माइनस का k। तो ये माइनस का k के साथ इस रो और कॉलम को बंद करने के बाद 1y प्लस k, 1 और y बचेगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 इंटू y माइनस का k। तो क्या मिला हमारे पास? 3y प्लस k था ही यहाँ पे, इंटू माइनस k, और इधर भी क्या मिला? माइनस k, माइनस k इंटू माइनस k, क्या मिल गया? प्लस का k स्क्वायर। तो 3y प्लस k इंटू k स्क्वायर, या इसको यूं लिख सकते हैं k स्क्वायर 3y प्लस k। तो ये किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। तो ये 10th का सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, वो क्या? देखो ये प्रूव करना है, ए प्लस बी प्लस सी लाना है। ए प्लस बी प्लस सी देखो बड़ी आराम से आ जाएगा अगर R1, R2 और R3 को ऐड कर दें। तो R1 को चेंज करो क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3 में ऐड करो, तो इक्वल टू में यहां पे क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे ए प्लस बी प्लस सी,
प्लस बी प्लस सी, ये ऐड करने पे हमें मिल जाएगा। आर टू और आर थ्री में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो टू बी टू सी, बी माइनस सी माइनस ए टू सी एज इट इज, इसको लिख देना c माइनस ए माइनस बी। अब देखो ऊपर से कॉमन आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, इसको कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम आर वन, आर वन से जब हमने कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, वन वन और वन, और यहां पे टू बी टू सी, बी माइनस सी माइनस ए टू सी, टू बी सी माइनस ए माइनस बी। अब क्या होगा, अब दो जीरो चाहिए, पहले तो दो जीरो लाने की कोशिश करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सी वन माइनस सी थ्री कर लो, तो सी वन को चेंज करो सी वन माइनस सी थ्री, इससे मिला क्या वो देखो, पहले घटा करके यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पे 1 माइनस 1 जीरो, 2b में से 2b गया जीरो, 2c में से जब इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा वो यहां पे लिख करके मैं तुम्हें दिखाता हूं, 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, तो a प्लस बी प्लस सी मिला। अब इसके बाद क्या बचा, उसको लिख दो, वन बी माइनस सी माइनस ए टू सी, वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी। क्या बचा इधर, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने के बाद। अब इसके अलांग अगर हम एक्सपेंड करते हैं, पहले तो यहां से कॉमन ले लो ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी और एक और a प्लस बी प्लस सी, सी वन के अलांग यहां पे लिख देना टेकिंग कॉमन क्या a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम सी वन, तो ये कॉमन लेके जीरो जीरो और वन बचा, यहां पे वन बी माइनस सी माइनस ए टू सी, वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी बचा। अब चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो तो एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग c1 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहां पे एक्सपेंड करोगे तो 1, 1 के साथ ये रो और कॉलम बंद हो गया, तो क्या बचा 1 b माइनस सी माइनस ए 2b और 1, तो ये क्या बचा हमारे पास 2b माइनस, माइनस के साथ क्या b माइनस सी माइनस ए, ये बचा हमें, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं b प्लस सी प्लस ए, तो और यहां पे क्या मिला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही RHS के इक्वल है। 11th का सेकंड पार्ट, इसमें क्या लाना है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड लाना है। x प्लस वाई प्लस जेड कैसे मिलेगा, जो हम ऐसे c1 c2 और c3 को ऐड करेंगे, तो c1 को चेंज करो c1 प्लस c2 प्लस c3 में, ऐड करके देखो क्या मिला हमें, LHS इक्वल टू ऐड करो तो दो बार x मिलेगा, दो बार y, दो बार z, 2x प्लस y प्लस z, और यहां पे क्या मिलेगा 2 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z, ऐसे यहां पे भी मिलेगा 2 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z। इसके बाद क्या मिला यहां पे, एज इट इज x y z और 2x, यहां पे x y y x प्लस z प्लस 2y एज इट इज, इसको लिख दिया हमने। अब कॉमन आ रहा है क्या, 2 और x प्लस y प्लस z, टेकिंग कॉमन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कहां से, फ्रॉम सी वन, सी वन से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें LHS में, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां बचा वन वन और वन, एक्स वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स, एक्स वाई वाई और जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई। अब क्या करेंगे, हमें दो जीरो चाहिए,
तो माइनस करते हैं आर वन को, आर वन माइनस आर थ्री चेंजेस टू आर वन माइनस आर थ्री, माइनस करके देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे वन माइनस वन जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो, वाई को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का जेड, माइनस का एक्स और माइनस का वाई मिलेगा। अब अगर तुम चाहो तो आर टू माइनस आर थ्री को भी घटा ही लो, आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर थ्री, तो जब इसको माइनस करेंगे तो वन माइनस वन जीरो, जब ये एक्स कटेगा तो वाई प्लस जेड प्लस एक्स बचेगा, और जब ये माइनस में वाई होगा तो माइनस का जेड, माइनस का एक्स और माइनस का वाई मिल जाएगा। थर्ड वाले रो में कोई चेंज नहीं है, वन एक्स और जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई एज इट इज, ऐसे छोड़ दो। अब देखो ऊपर से आर वन और आर टू दोनों में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, तो टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस वाले रो में से, आर वन में से और आर टू में से दोनों में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, यहां पे लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूं। अब बचा क्या वो लिख लो, जीरो जीरो वन, जीरो वन एक्स माइनस वन माइनस वन जेड प्लस एक्स प्लस का टू वाई। अब इसके बाद क्या बचा, एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सी वन, सी वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, तो यहां हो ही चुका है, तो जब इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो वन वन के साथ जीरो, वन माइनस वन और माइनस वन, तो माइनस वन इंटू जीरो क्या मिल गया, माइनस वन इंटू जीरो, जीरो और माइनस माइनस प्लस का वन, तो वन के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, तो ये यही रहेगा, तो ये आ गया टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये आर एच एस के इक्वल आ गया। तो ये इलेवेंथ का सेकेंड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए, वन माइनस एक्स का क्यूब और उसका होल स्क्वायर चाहिए, तो वन माइनस एक्स क्यूब मिलेगा कैसे, उसके लिए तुम क्या करो, यहाँ पे सी वन को चेंज करो, कैसे, सी वन माइनस एक्स सी थ्री, अगर हम ऐसा करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा एल एच एस में, सी वन माइनस एक्स सी थ्री, तो वन माइनस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स, ठीक है, और सी टू और सी थ्री को ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रहने दो, एक्स वन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स और वन। अब देखो क्या मिला, वन माइनस एक्स क्यूब हमें कॉमन मिल जाएगा, तो वन माइनस एक्स क्यूब अगर हम पहले एक बार ऐसा करो, ऐसे लिख दो, वन माइनस एक्स क्यूब जीरो और जीरो, ठीक है, यहां क्या बचा, एक्स वन और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स और वन, तो कॉमन पहले क्या आ रहा, वन माइनस एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो टेकिंग कॉमन वन माइनस एक्स क्यूब कहां से, फ्रॉम सी वन, सी वन से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, वन माइनस एक्स क्यूब, अंदर क्या बचा, वन जीरो जीरो, और इधर क्या बचा, एक्स वन एक्स स्क्वायर एक्स और वन, एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सी वन, सी वन के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सी वन, तो क्या मिला हमें, वन माइनस एक्स क्यूब, और जब इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो वन, वन के साथ क्या मिलेगा, वन एक्स स्क्वायर एक्स और वन, तो वन इंटू वन, तो ये क्या मिलेगा हमें, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, और इधर क्या था, वन माइनस एक्स क्यूब इंटू वन इंटू दिस, तो ये दोनों मिला करके क्या मिल गया, वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये आर एच एस के बराबर आ गया, कर लोगे। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, देखो इसमें क्या करना है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन थोड़ा ध्यान से समझना, सी वन को चेंज करो, अगर हम ऐसा करते हैं सी वन और इसमें बी से मल्टीप्लाई करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सी वन को चेंज करो, सी वन माइनस बी सी थ्री, एक तो ये काम कर लो, दूसरा इसी तरह से सी टू को भी चेंज कर लो, क्या, सी टू माइनस इसमें ए से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो ए सी थ्री, ये दो ऑपरेशन पहले करो, ध्यान से करना, कैलकुलेशन समझते चलना, तो पहले
एक एक करके करते हैं, C1 वाला करते हैं, C1 माइनस BC3, तो पहले क्या है हमारे पास, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसमें माइनस करना और 2b से, b से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर, तो प्लस का 2b स्क्वायर, तो फाइनल हमें क्या मिला यहाँ पे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला। इसमें b से मल्टीप्लाई करके जब इसको माइनस करेंगे तो 2ab माइनस 2ab जीरो, और इसमें 2b माइनस, जब इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस माइनस प्लस बी ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी क्यूब, क्या बचा, बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और बी कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, बी कॉमन लेकर के 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो कॉमन आने लगा, ये काम हो गया हमारा। अब इसी तरह से C2 को माइनस करो, C2 प्लस AC3, इसमें A ऐड करके इसको जीरो बन जाएगा, इसमें A से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2A स्क्वायर, और जब 2A स्क्वायर इसमें ऐड होगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे इसमें जब ऐड करोगे वो देखो क्या मिलेगा, माइनस का 2A, इसमें A से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस A माइनस A क्यूब माइनस AB स्क्वायर, तो ये क्या बचा, माइनस A इन दोनों में से, माइनस A क्यूब और माइनस का AB स्क्वायर, इस पूरे में से माइनस A कॉमन लेकर के हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या बचा, माइनस का 2B 2A 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, कैलकुलेशन करके आराम से देख लेना। अब इसके बाद देखो हम कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहां कहां से, फ्रॉम C1 एंड C2 दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ये इतना मिला। इसके साथ हमें क्या मिला यहाँ पे, 1 0 b 0 1 माइनस का a माइनस का 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो दो जीरो नहीं मिला एक ही रो में या एक ही कॉलम में, उसके लिए हम क्या करेंगे, C3 को चेंज करेंगे, कैसे, C3 प्लस 2b c1, तो 2b इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 2b इंटू 2b ऐड करेंगे जीरो, 2b इंटू जीरो जीरो, तो यहाँ पे 2a, और 2b इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 0 1 और माइनस ए 1 0 और बी, और इधर क्या मिला, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो अब एक्सपेंड कर सकते हैं, दो जीरो हमें मिल गए हैं, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 यहां पे लिख देना, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो R1 के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो मिल ही चुका है, तो यहां पे क्या मिला, ये 1, तो 1 के साथ ये रो और कॉलम बंद हो गया, बचा क्या वो लिखो, 1 बचा, माइनस का a बचा, 2a बचा, और इधर 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जा चुका था, तो b स्क्वायर प्लस 1 माइनस का a स्क्वायर बचा, मल्टीप्लाई करो इसको, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, तो ये फाइनली क्या मिला, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके पहले हमें क्या मिल चुका था, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो फाइनली क्या मिला, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, तो ये RHS के इक्वल आ गया। कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब हमें चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन, a कहां से, फ्रॉम R1 और C1 दोनों में कॉमन है तो R1 से ले लेते हैं, ठीक है, b फ्रॉम R2 एंड c फ्रॉम R3 कॉमन ले लो, तो R1 में से a, R2 में से b और R3 में से c कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहां पे, a प्लस 1 बाई a,
ए कॉमन लिया बी और सी, यहाँ से बी कॉमन लिया तो ए, बी प्लस वन बाई बी, यहाँ से बी कॉमन लिया तो सी, यहाँ से सी कॉमन लिया तो ए, बी सी प्लस वन बाई सी, इतना हो गया। अब क्या करो, जो कॉमन लिया था हमने रो से उसको कॉलम में इंसर्ट करा देते हैं। तो जब कॉलम में इंसर्ट करा देंगे, मल्टीप्लाई ए बाई आर वन या आर वन बाई ए, आर टू बाई बी एंड आर थ्री बाई सी, आर नहीं ये सी बना लो, तो क्योंकि रो से निकाला था हमने, सी में इंटर करा देंगे, ठीक है। तो सी में कॉलम में जब इंटर कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो ए गया इस कॉलम में तो ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इस वाले में बी जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस वन और बी स्क्वायर, इस वाले में सी जाएगा तो सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन, इतना काम हो गया हमारे पास, ये एल एच एस अभी चल रहा है। अब देखो हमारा ऐड करेंगे किसको, सी वन को चेंज करेंगे किसमें, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री में, तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर भी क्या मिलेगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी सब कुछ एज इट इज, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। अब कॉमन ले लो सी वन से, तो सी वन से जब कॉमन ले लेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट लिख लेना, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद जो बचा वो लिखते हैं, वन 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 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। अब हमें दो जीरो चाहिए, तो दो जीरो कैसे मिलेगा, क्लियर दिख रहा हमें, आर वन माइनस आर थ्री कर दें, आर वन को चेंज करो आर वन माइनस आर थ्री, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो, माइनस का वन, आर टू ऐसे ही रहने दो, आर थ्री भी रहने दो, बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग आर वन, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग आर वन, तो माइनस वन, माइनस वन के साथ हमें क्या मिलेगा, ये बंद हो जाएगा, तो मिलेगा हमें बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का वन, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कट गया, माइनस वन इंटू प्लस वन, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ माइनस वन इंटू माइनस वन, तो इक्वल टू क्या आ गया, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आर एच एस के इक्वल आ गया, कर लोगे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 14। अब बच रहा है 15। 15 देखो एमसीक्यू है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, तो के ए, तुम्हें बताया था के ए का जब मॉड निकालेंगे तो ये के का पावर एन, एन यहाँ पे कितना है 3 मॉड ए, तो के 3 मॉड ए, तो ये ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है, तो ये नंबर हमारा डिटर्मिनेंट होगा, कर लोगे,